नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, राजस्थान में नगरीय निकाय मामले को लेकर सियासत गर्माने लगी है। भजनलाल सरकार फिर से पिछली गहलोत सरकार के एक बड़े फैसले को बदलने की तैयारी में दिखाई दे रही है। इस बीच यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने बड़े संकेत दे दिए हैं। उनके अनुसार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो जयपुर, जोधपुर और कोटा शहर में दो दो नगर निगम बनाए थे, इसको लेकर अब भजनलाल सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। सरकार गहलोत राज में बनाए गए 86 नगर निकायों को लेकर भी रिव्यू के जरिए बड़ा फैसला करने की तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में सियासी चर्चा है कि प्रदेश में कई नवगठित नगर निकाय खत्म हो सकती है। वहीं जयपुर, जोधपुर और कोटा में भी एक एक नगर निगम हो सकता है। कुछ लोग गहलोत सरकार के फैसले को क्षेत्र के विकास से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे खालिस राजनीति बता रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता नमित जैन जी। नमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकुमार मीणा जी। कांग्रेस राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद नमित सर। जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये नगर निगम जो एक होने की बात चल रही है, वापस गहलोत सरकार का एक फैसला था जिसे बदलने की, वापस से भजनलाल सरकार जो कवायद चल रही है, ये सियासत गरमा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ओपनिंग नोट। जी राहुल जी, देखिए ये जो फैसला था गहलोत सरकार का, ये वह फैसला था कि जब इन तीनों शहरों में, जयपुर, जोधपुर, कोटा में, इनके मेयर नहीं बन रहे थे, इनके इनकी सरकार नहीं बन रही थी, शहरी सरकार नहीं बन पा रही थी, वो बनाने के लिए, केवल और केवल उसके लिए, सत्ता का सुख भोगने के लिए इन लोगों ने जयपुर, जोधपुर और कोटा की जनता के साथ इन्होंने जी कुठाराघात किया और एक ही बिल्कुल शहर के दिल के दो टुकड़े कर दिए इन्होंने। जयपुर शहर के, मैं आपको मैं बात बताता हूँ, जयपुर शहर हमेशा से एक रहा है। राजा महाराजाओं के समय से, अंग्रेज आए, मुगल आए, कोई भी आए, इस पर कभी दो टुकड़े नहीं हो पाए। सबने कोशिश करी, लेकिन इस कोशिश में गहलोत सरकार सफल हो पाई। इन्होंने टुकड़े कर दिए इसके, और क्षेत्र के आप देखिए कि लोग समझ नहीं पा रहे थे। इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी खूब हुआ, लोगों ने मार्च निकाला, धरना प्रदर्शन किए, लेकिन के खुद की सत्ता सुख भोगने के लिए इन्होंने शहर के दो टुकड़े कर दिए। धर्म के नाम पर ऐसा नहीं चलेगा राहुल जी। जिस तरह से इन्होंने, नेहरू जी ने देश के दो टुकड़े किए, धर्म के नाम पर भारत पाकिस्तान बनाया, वैसे ही इन्होंने धर्म के नाम पर जयपुर के दो टुकड़े कर दिए, हेरिटेज और ग्रेटर, और केवल सत्ता सुख भोगने के लिए। इनको पता था अगर जयपुर एक रहेगा तो कभी इनकी सरकार नहीं बन पाएगी, कभी जयपुर में इनका मेयर नहीं बन पाएगा, इसलिए इन्होंने दो टुकड़े करके छोटे छोटे वार्ड बना दिए। एक तरफ आप देखिए, एक वार्ड में 4,000 वोटर है, मतदाता है, और तो दूसरे दूसरे एक वार्ड में, हेरिटेज में, केवल और केवल 470 मतदाता है। ये कैसा परिसीमन किया है, केवल और केवल कुर्सी पाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन देश, आप देखिए, जयपुर, जोधपुर और कोटा के लोगों से पूछिए, पाकिस्तानी निवासी से पूछिए, इन्होंने पूरे शहरों की दुर्दशा कर दी है, बर्बाद करके रख दिया है। जिस तरह से आप देखिए, हेरिटेज में जाइए, आज जयपुर शहर जहाँ पूरे विश्व भर से पर्यटक आते हैं, वहाँ हवा महल की सड़कें, जो उनकी परकोटे की गलियां है, वहां केवल गंदगी भरी पड़ी रहती है, नाले साफ नहीं हुए हैं, बरसात में हाहाकार मचा हुआ है, सड़कें टूटी हुई है। और ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और गहलोत सरकार और शांति धारीवाल जी का जो विजन था उसको लेकर हुआ है। उन्होंने केवल सत्ता सुख के लिए पूरे जयपुर के टुकड़े करके इन्होंने इतना गलत किया है, किया कि जनता भुगत रही है। जी राहुल जी, चलिए राजकुमार जी, ओपनिंग नोट सर क्या कहना चाहेंगे नगर निगम के, ये जो वापस से एक देखिए होने की जो चर्चाएं हैं जो गर्मा रही है, इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते क्या ओपनिंग नोट देना चाहेंगे? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बात बता देता हूँ कि किसी भी चीज का परिसीमन होता है तो वो जनसंख्या के आधार पर होता है। जब एक बात बताइए, इन्होंने बोला कि राजा महाराजाओं के टाइम पे जयपुर शहर एक था, मुगलों के टाइम पे एक था, लेकिन क्या उस टाइम पे जयपुर की जनसंख्या इतनी बड़ी थी क्या? इतनी ज्यादा थी क्या? जयपुर इतना बड़ा था क्या? छोटा था, फैला हुआ था? तो जैसे जैसे अभी परिसीमन होने वाला है 26 में, तो फिर तो हम भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से, मतलब जो हार के डर से डर रही, तो परिसीमन में विधानसभाएं बढ़ा रही है। जब जब जनसंख्या बढ़ी है शहरों की, तो तब तब उसका बंटवारा बंटवारा नहीं हुआ। दो यूनिट बनाइए जहाँ पे काम करने की क्षमता बढ़ती है, लोगों के पास पार्षद ज्यादा होते हैं, ज्यादा लोगों से टच हो पाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। और दूसरी, ये धर्म के राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, तो मैं इनको बता देता हूं कि ये वो उन चंद
जय चंदो के वंशज है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में साथ न देकर एक ने हिंदू महासभा बनाई और एक ने मुस्लिम लीग बनाई और फिर बंगाल में दोनों ने मिलकर सरकार बनाई, जैसे इन्होंने अभी महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर कश्मीर में सरकार बनाई थी। तो ये तो बातें, अगर आईना अगर किताब खुलेगी तो शर्मिंदा हो जाओगे, तो उस पे आप शांति से रहिए। अभी अभी चलो ठीक है, मैं पूर्व की बात कर रहा हूँ, अभी महबूबा मुफ्ती के साथ भी पीडीपी के साथ मिलकर किसने सरकार बनाई थी? बीजेपी ने बनाई ना, तो वो तो उसको पुरते ना खोल के उसको अगर दबे रहे नहीं तो आप शर्मिंदा हो जाओगे। दूसरी बात, आप जब भी देखिए अगर नगर निगम के दो भाग किए तो क्या उसमें पार्षद नहीं बढ़े? जी क्या वहां पर सुविधाएं नहीं बढ़ी? आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए, अब लोगों को जहां पर पहले बड़ी इकाई हुआ करती थी तो जी भटकना पड़ता था, आज अगर उस काम का बंटवारा हो गया, आज एक से भले दो किसी काम में अगर एक व्यक्ति को लगाएंगे, अगर वहां दो होंगे तो निश्चित तौर पे उस काम का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और लोगों की सुविधाओं में उसमें फायदा होगा और उनको समस्याओं का कम सामना करना पड़ेगा। अब ये तो इनका राजनीतिकरण है, इनको पता है कि हमारी लोकसभा में क्या दुर्दशा हुई है और अभी उपचुनाव में क्या होने वाली है, तो उस हिसाब से इनको पता है कि हम सारे नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद हारने वाले हैं। ऐसे तो मैं इनके ऊपर भी आरोप लगा सकता हूँ कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने झालावाड़ नगर पालिका को नगर परिषद बनाया था। तो आप सर्वे करवा लीजिए, अभी भी ऐसे ऐसे गांवों को जोड़ दिया जो झालावाड़ से 10-10 किलोमीटर दूर है, जहां मात्र 5-5 घर है। तो जो लोभ की राजनीति, सत्ता की राजनीति किसे कहते हैं, आप सर्वे करवा लीजिए झालावाड़ नगर परिषद का। आज भी बना के गए हो तो 10 साल हो गए, लेकिन आज भी सर्वे करवा लो क्या कंडीशन है। तो ये कहने की बात नहीं है, लेकिन हम जब भी किसी चीज का बंटवारा करते तो निश्चित तौर पे उसकी जनसंख्या बढ़ती है, उसमें काम तो पार्षदों की संख्या बढ़ती है, लोगों की सुविधाओं में उनको आसानी होती है, उनको दर दर कम भटकना पड़ता है। जी चलिए, नमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। जी नमित जी बताएं। जी राहुल जी, मेरे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही, ये जिस तरह से कह रहे हैं कि दर दर नहीं भटकना पड़ता और लोगों की सुविधाओं के लिए, लेकिन आप देखिए तो सही, अधिकारी वही वही कर्मचारी और वही संसाधन, उसके दो टुकड़े कर दिया आपने और खर्चा डबल। क्या निकला जी रिजल्ट? खर्चा डबल हो गया, रिजल्ट जीरो। आर्थिक भार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है लेकिन सफलता जीरो। जयपुर के जो हालात देखे पिछले 5 साल में वो यही रहे। ग्रेटर निगम, नगर निगम तो फिर भी चल पाया, लेकिन जी हेरिटेज की स्थिति आपको पता है, आए दिन जो वहां के मेयर मुनेश गुजर जी जी आए दिन और विवादों में रहता है तत्कालीन हमें। परिवहन मंत्री जी, तत्कालीन परिवहन मंत्री खाचरियावास जी, उन दोनों के बीच की जो लड़ाई थी वो जग जाहिर है और इस बीच में कभी काम हुआ ही नहीं। जो जी आज जयपुर के हालात है, आज हम जहाँ बैठे हैं, राजधानी है, राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, वहां की स्थिति है। और सबसे ज्यादा जिससे मध्य से पैसा आता है पर्यटन से, देश विदेश के पर्यटक परकोटे में आते हैं और वहां की जो स्थिति दुर्गति देखी जाती है और देखी जा रही है, उसको देखकर जी वाकई में हेरिटेज के लोग खून के आंसू बहा रहे हैं, अपनी दुर्दशा पर रो रहे हैं। इसी को लेकर मैं बात कहना चाहता हूं कि जो आदरणीय मंत्री खर्रा जी ने कहा कि जी हम दोनों नगर निगमों को एक करने जा रहे हैं, उसके बाद जो होगा। वाकई में जयपुर हमेशा से एक रहा है, लेकिन उन्होंने पिछले 5 साल में सत्ता सुख भोगने के लिए इसके दो टुकड़े कर दिए। इसके बाद मेरे मित्र राजकुमार जी कह रहे थे कि झालावाड़ की बात कर रहे थे, तो झालावाड़ की जो बात थी वो वहां जो परिसीमन में हुआ, 10 किलोमीटर, जी 15 किलोमीटर। जयपुर के आज आप स्थिति देखिए, 100 किलोमीटर का दायरा हो चुका है जयपुर का, बगरू से लेकर बस्सी और जी आप वाटिका से लेकर चौमू तक, ये जयपुर का सराउंडिंग एरिया हो गया। लेकिन जयपुर के विकास के लिए वाकई में एक नगर निगम की जरूरत है, तभी जयपुर का विकास हो पाएगा। मैं जी आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन जो सत्य हुआ, जो पिछले 5 साल में हुआ, उसकी बात को चलिए लेकर मैंने बयान दिया। जी राजकुमार जी, आपके पास आना चाहूंगा। लगातार जो है बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने सत्ता सुख भोगने के लिए ऐसा किया था, ये जो बंटवारा है ये किया था, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? राहुल जी, अगर कांग्रेस सत्ता सुख भोगने के लिए बंटवारा करती तो निश्चित तौर पर आप देखते कि उसके परिणाम कुछ अलग होते। जी हाँ, कांग्रेस ने आज तक देख ली हिंदुस्तान में जितनी भी योजनाएं चली, चाहे आमजन की योजना, सारी जितनी भी क्रांति आई सब कांग्रेस के सरकार के टाइम पे आई, भाजपा वालों ने तो की नहीं। मैं दूसरी आपको सीधी सीधी बात बता देना चाहता हूँ कि ये पूर्ववर्ती सरकार पे आरोप लगाते हैं, तो 7 महीने आपकी भी सरकार बनी हुई, जयपुर के हालात हमने भी देखे, क्या बरसात में हालात रही, क्या बिजली व्यवस्थाएं रही, क्या राजस्थान की पानी की व्यवस्थाएं रही, कितने अतिक्रमण हो गए, 900-900 बीघा वन भूमि पे अतिक्रमण करके उस पर खनन कर दिया गया, उसकी शिकायतें करने वाले के वीडियो हो गए, उनने शिकायतें की तभी कोई उन पे एक्शन नहीं लिया गया, किस तरह भ्रष्टाचार इन्होंने चलाया। और अभी ये जब नगर निगम मुनेश गुजर जी की बात करते हैं, तो राहुल जी पहले भी इस बात पे डिबेट हुई है, खुद जी कांग्रेस ने बोला है कि अगर वो भ्रष्टाचारी है तो उसको
आप उसको क्या के बोले, जो उसको हटाओ, उस पर कार्रवाई करो, आपके पास सबूत आ चुके, कांग्रेस के खुद पार्षद जा चुके हैं, लेकिन खर्रा साहब उसको क्यों नहीं कर रहे? खर्रा साहब ने उस टाइम पे बयान दिया था कि मेरे पास फाइल आई तो मैं निश्चित तौर पे उस पर एक्शन लूंगा। तो आपके पास फाइल पहुंच चुकी है, 1 महीना हो गया, तो कौन भ्रष्टाचार से मिलकर कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन सत्ता सुख भोग रहा है? आप देखिए, पहले जो भी एसीबी की भ्रष्टाचार की कार्रवाई होती थी तो उन पर सीधी कार्रवाई की जाती थी, जहां भी टीम जी जाती थी उसको अगर कुछ गलत मिलता था तो उस पर कार्रवाई होती थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक अधिनियम लाया 2019 में, लाके उन्होंने बोल दिया कि हाँ, आदमी अगर दोषी भी पाया जाता है तो उसके बावजूद भी आपको उस पर कार्रवाई करने के लिए विभागाध्यक्ष से मंजूरी लेना जरूरी है। तो फिर जी खर्रा साहब क्यों नहीं मंजूरी दे रहे भाई? ऐसा क्या मतलब पीछे चल रहा है? सत्ता के पीछे कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन कमा रहा है? 1 महीने पहले खर्रा साहब ने मीडिया में बयान दिया था कि मेरे पास जैसे फाइल आएगी मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, बिल्कुल तो आपके पास फाइल आए हुए 1 महीने 1.5 महीने हो गए। तो कौन सत्ता भुख भो, सुख भोगता है, कौन गरीबों के लिए योजनाएं लाता है, कौन गरीबों के लिए योजनाओं का काम करता है, ये पूरे देश ने देखा है, ये कहने की कोई लेकिन जरूरत राजकुमार नहीं। जी, राजकुमार जी, प्रताप सिंह खाचरियावास और मुनेश गुर्जर के बीच जो हेरिटेज की मेयर है उनके बीच का जो द्वंद है वो तो जग जाहिर है, वो भी मीडिया में हमने देखा द्वंद्व ही तो है। जी द्वंद्व है, उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, तो जी भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो तो कार्रवाई कीजिए ना। राहुल जी, किसने मना किया? केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, संस्थाएं आपके पास, सब कुछ तो आपके पास है, कांग्रेस के पास क्या है? फिर भी अगर आप कार्रवाई नहीं करते हो तो निश्चित तौर पर संदेह के घेरे में जा रहे हो। आप कहीं ना कहीं उनको बचा रहे हो, इसका मतलब कोई मोटी काली कमाई आप कर रहे हो, तो ये जनता को दिख रहा है, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो एक बात बताओ, इतने दिन से उनकी फाइल आ चुकी है, उन पर आरोप सिद्ध हो चुके, तो अभी तक बीजेपी सरकार ने उन्हें हटाया क्यों नहीं? क्या लालच है ये तो ये प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है। कांग्रेस के सारे स्टेटमेंट रहे, कांग्रेस के नेताओं के स्टेटमेंट रहे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के स्टेटमेंट रहे, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने भी बोला है जो भी इस भी डिबेट में आए कि अगर कोई गलत पाया जाता है तो उसमें कार्रवाई कीजिए। कांग्रेस ने कभी भ्रष्टाचार, इनकी तरह हमने वॉशिंग मशीन थोड़ी लगा रखी कि भ्रष्टाचारी आओ वॉशिंग मशीन में जाओ, बीजेपी ज्वाइन कर लो, क्लीन चिट पालो, आपके भ्रष्टाचार मुक्त। कितने भ्रष्टाचारी भाजपा जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, अरबों करबों घोटाले जिनके ऊपर थे, जो जेल जा चुके थे, उनको भाजपा में लिया, वॉशिंग मशीन में डाला और शुद्ध करके निकाल दिया। तो ये इसमें जवाब दे सकता है भाई, ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है? हाँ ठीक है, वॉशिंग मशीन का काम दिल्ली में समाप्त हो चुका है, हो सकता है जयपुर लेके आगे हो तो जयपुर में काम कर रहे होंगे। चलिए नमित जी भी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, साथ ही साथ मेरे भी कुछ सवाल हैं कि खर्रा साहब ने ये बिल्कुल ये बात कही थी कि अगर मुनीश गुर्जर की फाइल मेरे टेबल पे आती है तो मैं फाइल जल्द ही फाइल से हटा दूंगा, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? अब तक क्यों नहीं एक्शन लिया गया? और रही बात, आप कह रहे हैं कि शहर के जयपुर के जो है वो दो टुकड़े करने का काम किया था गहलोत सरकार ने, अगर दो टुकड़े हुए, दो टुकड़े होने के बाद भी जो हालात है वो नहीं सुधर पाए, तो क्या आपको लगता है कि जब इसे वापस से पुनर्गठित कर दिया जाएगा, वापस से एक बॉडी बना दिया जाएगा, तो क्या हालात सुधर सकते हैं? जी राहुल जी, देखिए पहले तो मैं आपकी पहले सवाल का जवाब दे दूं। आपने कहा कि खर्रा जी की टेबल पर ये फाइल आ चुकी है, ऐसा नहीं है। अभी इसका कोई, ये मेरे मित्र तो बिना तथ्य की बातें कर रहे हैं, और फाइल आएगी कैसे? ये कोर्ट के माननीय कोर्ट में लंबित चल रहा है, ये वहां पे केस चला गया था कांग्रेस बिल्कुल सरकार के समय से, और उसके बाद जब कांग्रेस सरकार का अंतिम चरण था, जब चुनाव होने थे, उससे पहले ये इन्होंने तो कार्रवाई करी नहीं, चलते रहे, गहलोत साहब कहते रहे हम करेंगे करेंगे, होटलों में घूमते रहे, राहुल जी, लेकिन नहीं कर पाए। मैं उसके बीच में बाद टोकना नहीं चाहता था, लेकिन इतना बड़ा झूठ आया तो मुझे बीच में बोलना ही पड़ेगा। आप एक बात बताइए, एसीबी ने दोष सिद्ध कर दिया, केवल विभागाध्यक्ष की परमिशन बाकी, यानी खर्रा साहब का साइन बाकी है, कोई कोर्ट में केस नहीं। आपको भी वास्तविकता पता है, प्रदेश की जनता को भी पता है, न्यूज चैनल में आ जी चुका है, जी राजकुमार जी, आप तो सुनिए आधा सुनिए अधूरा सर, सत्य बता इलेक्ट्रॉनिक रहे हैं, मीडिया मैं में बता आ चुका दूंगा, है, मेरे प्रिंट पास मीडिया में आ लिखा चुका है, या ना, तो मीडिया झूठ मेरे बोल पास रही है। ऐसा नहीं है राजकुमार जी, ऐसा नहीं है, मेरे पास झूठ प्रूफ है। कौन बोल रहा है? मैं मीडिया, बिना बिना तथ्य की या बात आप, नहीं कर रहा, आप लोग करते बिना तथ्य की बात। मैं कह रहा हूं ना, अरे सर मीडिया ये झूठ बोलती है मामला क्या? कोर्ट मैं में तो पूछना पेंडिंग है, चाहता हूँ, पढ़िए मीडिया झूठ पढ़ के बोलती है आया क्या? करिए। जिस जिस अरे हमने जिस पढ़ विषय रखा पर है आप सर, हमने डिबेट पढ़ पे जा रखा है, रहे हैं, आपने नहीं पढ़ रखा, आपको जिस तो आज विषय पर झूठ आप डिबेट डिबेट में में जा जा रहे रहे हैं, हैं, उस विषय के बारे में पढ़ के सर जाया पूरा करिए। पढ़ रखा है, मेरे पूरा पास पढ़ प्रूफ रखा है, है, मैं आपके भी बताता विभाग, हूँ, सिर्फ उस केस में माननीय विभागाध्यक्ष कोर्ट की में परमिशन लंबित चल बाकी, रहा है खर्रा साहब की केस, बाकी है, आप तो ले माननीय लीजिए कोर्ट में, परमिशन। और आपके ही मंत्री और आपके ही पार्षद लेके गए हैं इसको कोर्ट में लंबित चल रहा है, वहां से जैसे ही निकल कर आएगा, खर्रा साहब ने कहा है, माननीय मंत्री जी ने कहा है, जैसे ही वहां से लंबित प्रकरण निमटता है, कोर्ट के आदेश के बाद हम इसकी पालना करेंगे और तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो भ्रष्टाचार कांग्रेस ने पूरे 5 साल तांडव किया, चिंता मत करिए, सबका नंबर आएगा,
जेल के सलाखों के पीछे छुप जाएंगे। चुनाव में धीरे धीरे बिल्कुल डाले थे उनके बारे में कुछ कर सकते हो, चिंता मत करिए, हजारों करोड़ सभी का नंबर आएगा, करोड़ घोटाले वालों ने लोगों से भ्रष्टाचार किया सबका नंबर उस पे बोल दीजिए सर, थोड़ा सा प्रदेश की जनता भी सुनना चाहती है आपकी वॉशिंग मशीन के बारे में, जो लोकसभा चुनाव में आपने इतने भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में लेके क्लीन चिट दिया है, जो जेल राजकुमार जी उनके बारे में बोल दीजिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो तो आपने एसीबी के हाथ क्यों बांधे, उन्हें मुक्त रहना देते, ये विभाग अध्यक्ष की परमिशन का नया कानून क्यों लेके आया भाई, उनके ऊपर क्यों डाला, ऐसा कोई कानून नहीं राजकुमार जी, पता नहीं आप पढ़ लीजिए, राहुल गांधी जी पता नहीं कौन सा गूगल पढ़ के, राजकुमार जी उन्हें बोलने का मौका दीजिए, संसद में पढ़ लो, संसद भवन में जिस तरह से खुद की खिल्ली उड़ाई परिचित अंदाज में पढ़ लो, उनको मनोरंजन के लिए देखते हैं, मनोरंजन हुआ, चलिए चलिए, अभिमन्यु का चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे, उनको ज्ञान नहीं है, नकली जनेऊधारी जिनको हिंदू धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, वो वहां जाकर हमेशा क्यों मजाक बनाते हैं धर्म का और खुद का भी, लोग हंस रहे थे, खुद के सांसद हंस रहे थे वहां पे, अभिमन्यु का आधा ज्ञान, चक्रव्यूह के बारे में पता नहीं, जनेऊ के बारे में पता नहीं, बातें कर रहे हैं हिंदू धर्म की, महाभारत की, नमित जी नमित जी यहाँ पे कुछ सवाल मेरे भी थे, जिस धर्म से आप ताल्लुकात रखते हो, जिस धर्म से हो उसकी बातें कर रहे हैं, बस क्या करो हिंदू धर्म के बारे में, जब आईना दिखाया जाता है ज्ञान और वैसे आप दूसरे पे चले जाते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, जनता बात जानती है, ये थोड़ा सा जानकारी जी नमित जी, चलिए चलिए आप दोनों ही मेहमान से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा चर्चा को वापस से ट्रैक पर लेकर आ जाते हैं, नमित जी गूगल मत पढ़िए, नमित जी चर्चा को वापस से ट्रैक पर लेकर आते हैं, इधर उधर की बातें काफी हो गई, एक सवाल मेरा भी था आपसे कि ये जो दो बॉडीज बनाई गई नगर निगम की जयपुर के अंदर, उसके बावजूद जो है स्थिति जो है जयपुर की नहीं सुधरी, चाहे हम जल भराव की स्थितियां देख ले बारिश के वक्त पे, अभी इस समय आपकी सरकार बनने आपकी सरकार से पहले भी पूर्ववर्ती सरकार में भी हमने ये स्थितियां देखी, आपकी सरकार बनने के बाद भी यही स्थितियां रही है, तो स्थितियां जब दो अलग अलग बॉडी नगर निगम की बना दी गई उसके बाद भी नहीं सुधर पाई, तो क्या वापस से एक बनाने के बाद क्या सुधरेंगी स्थितियां? जी राहुल जी मैं आपको बता देना चाहता हूं, जी जब भी ये पहली बार हुआ कि जयपुर के दो टुकड़े किए गए, उससे पहले कांग्रेस की भी मेयर बनी ज्योति खंडेलवाल जी और भारतीय जनता पार्टी के मेयर भी बने, लेकिन इतनी समस्या जो पिछले 5 वर्षों में आई इतनी कभी नहीं आई, क्योंकि देखिए आप अधिकारियों की संख्या वही वही कर्मचारी और वही मशीनरी, आप देखिए जो जेट मशीनों की जिसके हम बात करते हैं, मड पंप की जिसके हम बात करते हैं, लगभग लगभग 1300 के आसपास मड पंप हमारे पास थे, जब तो आपने दो नगर निगम कर दिए तो आपको मड पंप भी बढ़ाने थे, मशीनें भी बढ़ानी थी, दमकल भी बढ़ानी थी, इस तरह के सारे संसाधन आपको बढ़ाने थे, लेकिन तो आपने क्या किया, बढ़ा देते जी बढ़ाए हैं, अभी टेंडर हुए हैं, नया बजट आया है, और इसके अलावा जो कर्मचारियों की जो भर्ती है वो भी निकाली जा रही है नगर निगम की, दोनों नगर निगम में कर्मचारी बढ़ाए जाएंगे, सफाई कर्मी बढ़ाए जाएंगे, इसके अलावा सरकार आते ही लगभग लगभग 4,000 नए ऊपर जो कचरा गाड़ी होती है उसके टेंडर जारी किए गए और वो पटरी पर लाने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं जब नगर निगम एक हो जाएगा, जयपुर का दिल वापस से जुड़ जाएगा, जो दो टुकड़े इन्होंने कर दिए थे, आप देखिए कि जयपुर की गलियां आपस में मिली हुई है, ऐसा कोई वार्ड आप परकोटे में जाइए कि एक गली तो है वार्ड 33 में, एक गली है वार्ड 67 में, एक ही गली के दो टुकड़े कर दिए इन्होंने, तो वो डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया, लोगों के समझ में नहीं आया अभी तक भी 5 साल बाद भी, मैं कौन से वार्ड में हूँ, मैं कौन से वार्ड का निवासी हूँ, मुझे किस पार्षद को बोलना है, तो ये अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा परिसीमन इन्होंने केवल और केवल सीटें और संख्या बढ़ाने के लिए किया था कि हमारी संख्या ज्यादा आ जाए, आप देखिए कैसा कैसा न्याय है, एक वार्ड में 4,000 मतदाता, एक एक वार्ड में 500 कुछ मतदाता, तो ऐसा संभव नहीं है, आप करते लगभग 2,200 उस तरह से बनाते, लेकिन 547 इन्होंने जहां बनाए, लगभग ऐसे 2,800 वार्डों की संख्या है जहां 500 के आसपास की संख्या है, तो वो 28 के 28 वार्ड कांग्रेस के आगे, तो इसीलिए इन्होंने इसके टुकड़े किए थे, ग्रेटर में नहीं कर पाए, ग्रेटर में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना। जी राहुल जी, राजकुमार जी, कितना आप नमित जी की बातों से जो है एग्री करते हैं, क्या कहेंगे? राहुल जी सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी परिसीमन या कोई किसी चीज का अगर बंटवारा होता है तो जनसंख्या बढ़ने क्षेत्रफल बढ़ने पे उनकी सुविधाओं को देख के किया जाता है, निश्चित तौर पे इनके पास कुछ भी नहीं, इनको पता है कि हम दो के दो मतलब सारे के चुनाव अभी हारने वाले हैं, तो एक कैसे भी प्रपंच करके उसको एक करके
और सत्ता में आने का प्रयास है, और निश्चित तौर पे इनका कार्यकाल जनता ने देख लिया। मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहूंगा, और साथ में मैं इनको इतना सा जरूर कहना चाहूंगा, बीजेपी प्रवक्ताओं की जो एसीबी के हाथ बांधने के कानून वाली बात बोल रहे, तो कृपया करके यही आप वीडियो काट के आपकी एफबी पे या सोशल मीडिया पे डालिएगा, जनता कमेंट्स कर देगी कब बनाया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बाकी निश्चित तौर पे जब कोई कुनबा बढ़ता है तो कुनबा बढ़ने के बाद उनकी आवश्यकताएं बढ़ती है, क्षेत्रफल बढ़ता है, कार्य बढ़ता है, कार्य बढ़ेगा तो कार्य को बांटा जाता है, जब कार्य को बटेगा नहीं तो उनके ऊपर ज्यादा भार आ जाता है और वो सही तरीके से उस चीज का संचालन नहीं हो पाता है। तो ये कोई भी गलत नहीं था, इनकी भी तो उसमें सरकार बनी है, एक में हमारी बनी है, तो उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर ये वापिस मर्ज करते, उसको एक करते, तो निश्चित तौर पर जयपुर के अंदर बहुत ज्यादा भार आने वाला है और लोगों की सुविधाओं में बहुत ज्यादा कमी आने वाली है। जी, भार की आपने बात की राजकुमार जी, किस तरह का भार आप कहना चाह रहे हैं कि क्या भार, मतलब क्या भार बढ़ जाएगा अगर वापस से एक कर दिया जाए? देखो, जब क्या होता है, किसी कोई चाहे पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, उसमें जब जी जनसंख्या का भार बढ़ जाता है, रहने वाले लोगों का भार बढ़ जाता है, तो सिंपल सी बात है कि जो 100 लोगों में पहले कार्य हो रहा था, अगर वहां 150 हो जाते हैं, 200 हो जाते हैं, तो कार्य करने की हर क्षमता में कमी होगी। आपको जी वार्ड बड़े होंगे, उसको उसकी परमिशन लेने की जो भी उसमें योजनाएं जाएगी, सड़क जाए, बिजली पानी जितने भी जाएगा, सब विस्तृत एरिया बढ़ जाता है। तो अगर कार्य कार्यभार बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है हमें कार्य क्षेत्र भी उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसमें संख्या भी पार्षदों की भी बढ़ाना पड़ेगा, उसमें कर्मचारियों की भी बढ़ाना पड़ेगा। जी अगर एक वार्ड है, एक वार्ड में हमने 5 कर्मचारी लगा रखे, अब अगर उसकी क्षेत्रफल बढ़ जाता तो कब तक वो सफाई करे? सिंपल सी वो, हालांकि उसकी भर्ती की जा सकती है, लेकिन उसको सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं की जा जी सकती। तो सही तरीके से किसी चीज का संचालन करने के लिए बंटवारा, अभी हम देखिए कोई भी हम कार्य करते हैं तो क्या एक व्यक्ति पूरा कार्य कर लेता है, या किसी कार्य करने के लिए बंटवारा करना पड़ता है कि ताकि सुनियोजित तरीके से सही ढंग से वो कार्य संपन्न हो सके। अब ये ठीक है, ये तो राजनीतिक मसले हैं, इनको अगर अभी इनका जो भी इन्होंने सर्वे करवाया उसमें अगर हार आ रही हो और उसी तरीके से इनको जीत आ रही है, तो अभी तो सरकार इनकी है, लोगों की सुविधाओं पे ध्यान ना देकर, आम जन की पब्लिक चीजों पे ध्यान ना देकर, और ये सत्ता पाने के अगर कोई प्रयास करते, जैसे उपचुनाव के अभी ड्रामे चल रहे हैं अलग अलग तरीके के, तो वो सब होने के बाद भी अभी उपचुनाव के इनके किरोड़ी लाल जी का, खुद के मंत्री, इनकी सरकार, उनको पर्चियां ले लेके डिपार्टमेंट में दौड़ना पड़ रहा, तो हालत तो हमने भाजपा की देख रखी है कि क्या हालत हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष में किरोड़ी लाल जी हो, बड़ी हंसी आती है उस मंत्री की ये हालत देख के, कि अपनी सरकार में भी उसे सबूत देने पड़ रहे। अरे एक मंत्री है यार, कार्रवाई करवाओ, तुम्हारा सीएम है, किसने रोक रखा? आप कांग्रेस यार, तुम्हारे हाथ थोड़ी पकड़ रहे, बड़े बड़े मगरमच्छों का नाम आ रहा है, पकड़ो ना, हम तो खुद कहते पकड़ो, क्यों बचाते हो उनको? अगर आप बचा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसमें सम्मिलित हो। चलिए नमित जी, क्या कहना चाहेंगे? साथ ही साथ जो राजकुमार जी ने बात कही कि कार्यभार बढ़ेगा तो कार्य क्षेत्र भी बढ़ाना पड़ेगा, कितना आप एग्री करते हैं इनकी बात से? और क्या आपको नहीं लगता कि वार्ड जो है वो जितने बड़े होते जाएंगे काम, उतना ही बर्डन जो है किसी एक व्यक्ति पे उतना ही बढ़ता जाएगा, इससे बढ़िया है काम बांट दिया जाए? जी राहुल जी, देखिए मैं गणित का स्टूडेंट तो नहीं रहा, जी लेकिन मुझे पता है इतना तो कि एक एप्पल दी जाती है, एक अनार, और 100 जी बीमार वो वाली सुनी है आपने, तो जनसंख्या आपकी बड़ी है, ठीक है, लेकिन आपके पास बजट तो बड़ा ही है। अब आपने 5 साल में 1 रुपये भी बजट नहीं बढ़ाया जयपुर की सरकार का, जो जयपुर की शहरी सरकार है, आपने, आप देखना पिछले 5 सालों का बजट उठा के देखिए, वही कर्मचारी, एक कर्मचारी को 2 वार्ड में लगा दिया, जी सड़कें वही, पैसा उतना ही, तो फिर क्या मतलब निकला? आपने एक शहर के दो टुकड़े करके जितने 100 कर्मचारी थे, 50 कर्मचारी इधर दे दिए, 50 कर्मचारी इधर दे दिए, मतलब क्या निकला उसका? मतलब तब निकलता आप 100 कर्मचारी नए भर्ती करते, आप 100 मशीनें नई लाते, आप नया स्ट्रक्चर नया खड़ा करते, बिल्कुल, तब जाके उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो पाता। ये किया नहीं, और बजट वो का वही रखा। बल्कि आप देखिए जो पिछले वित्त वर्ष में 2022-23 में जो इन्होंने बजट दिया था, जी वो कम से कम भी 25% कम करके दिया जयपुर को, उसके बावजूद ये स्थिति रही, ये स्थिति बनाई इन्होंने। तो इसको लेकर हम, आप देखिए कि अभी जो सर्वे हुआ, ये जी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करवाया, ये सभी मीडिया जो चैनल्स है उन्होंने करवाया है कि जयपुर की जनता, जोधपुर की जनता और कोटा की जनता, लगभग लगभग 95% लोग ये चाहते हैं कि वापस से हमारे शहरों को एक कर दिया जाए, और एक शहर होने से डेवलपमेंट होगा, और जो हमारे आपसी जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, ग्रेटर, जैसे हेरिटेज है, ग्रेटर है, आप जी बढ़ाइए ना, आप विश्व पटल पर जाइए, बड़े बड़े जो शहर है, सिंगापुर जाइए, आप मलेशिया जाइए, जहां जहां वहां पर तो ग्लोबल एक कर रहे हैं, वो जहां दो थे वहां एक कर रहे हैं, एक करने से जो डेवलपमेंट होगा
वो वाकई में काबिले तारीफ होगा और उसके जो नतीजे आएंगे पूरे देश और दुनिया देखेगी। मैं आपको बता दूं जी कि जब जयपुर में एक एक नगर निगम था, मैंने आपको पहले भी बताया, चाहे कांग्रेस की मेयर थी चाहे बीजेपी के मेयर थे, लेकिन जयपुर का डेवलपमेंट लगातार होता था। सड़कों की सफाई रोज होती थी, जो बिजली के पोल थे, जो रोड लाइटें थी वो अच्छे से चालू थी, नालों की सफाई हमेशा रेगुलर होती थी। लेकिन जब से दो नगर निगम हुए हैं, इसके बाद एक तो कचरा जो प्रबंधन हमने शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी में जो मेयर थे माननीय अशोक लाहोटी जी, उन्होंने शुरू किया था, उसके बाद बहुत अच्छा लगा। लेकिन दो करने के बाद इसकी ये बेपटरी हो गया, क्योंकि गाड़ियों की खरीद नहीं हुई, ऊपर्स जो बढ़ाने थे वो नहीं बढ़ाए गए, और जो बड़े जो डंपर आते हैं वो भी जैसे के तैसे पड़े रहे, और पता चलता रहा कि आए दिन जहां डंपर कचरा बनने गया है वो वहीं पे खराब होके खड़ा रास्ते में। तो ये सब चीजें से डेवलपमेंट नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार कर रही है अभी, और जनमत जो होगा, जनता का जो निर्णय होगा और जिस तरह से लोगों का मत होगा उस तरह से किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा विकास कैसे किया जाए। जी, कुछ स्थितियां हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो कचरा उठाने वाली गाड़ियां हैं उनके पीछे आजकल लोग भागते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो आती है वो रुकती नहीं है, वो लगातार चलती रहती है, उसके पीछे लोग कचरा लेके भागते हुए कई बार देखे जाते हैं। ठीक है, नालों की बात करें तो बरसात के समय में एक तो वाटर लॉगिंग का बहुत बड़ा इशू है जयपुर के अंदर, जल भराव जो है कई जगह देखने को मिलता है। आप भी अगर सीकर रोड की तरफ जाएं, सिटी में जाएं, तो जल भराव, थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि ये जल भराव की समस्या आम हो जाती है। नाले फूट जाते हैं, उनमें से गटर का पानी जो है वो सड़कों पर बहने लगता है, उससे बदबू बहुत हो जाती है। तो ये तमाम इतनी सारी समस्याएं हैं जिनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान ना देकर इस तरफ ध्यान देना कि दो टुकड़ों को वापस से एक कर दिया जाए, किस तरीके से जनता को इन समस्याओं से छुटकारा दिलाया जाए, क्या उसके बारे में कोई प्लानिंग बीजेपी की ओर से की गई है? जी राहुल जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं वो ये जो जितने भी आपने सवाल किए हैं वो पूरे के पूरे सवाल जयपुर हेरिटेज पर लागू होते हैं। आप देखिए, पूरे बरसाती सीजन में एक ऐसी खबर बता दीजिए मुझे जो ग्रेटर की हो। जो आपने सिकर रोड की बात की वो मैं मानता हूँ, सिकर रोड की जो बनावट थी, आप देखिए वहां बरसाती नाले बने हुए थे पहले, जब उसकी जो नगर निगम की ओर से, जो जेडीए की ओर से जब डेवलपमेंट किया गया, बरसाती नाले बनाए गए, उनपे अतिक्रमण हो गए, और अभी मुख्यमंत्री जी ने अतिक्रमियों पे अभियान चलाया है। ग्रेटर में पूरी सफाई हो चुकी है, हेरिटेज में कुछ कारणवश जिन लोगों ने स्टे लाए हुए हैं, आप देखिए एक नहीं लगभग लगभग 2-2 हजार लोगों ने स्टे लाए हुए हैं अपने चबूतरों पर, जिन पर नालों पर अतिक्रमण कर रखा है। जी, जहां मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है सांगानेर मानसरोवर न्यू सांगानेर रोड पर, जिन 600 लोगों ने दुकानें बना रखी थी, अतिक्रमण कर रखा था, परवाह नहीं करी, लोगों ने कहा ये तो वोट बैंक है, मुख्यमंत्री जी ने कहा मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन इन 600 परिवारों की वजह से, इन 600 लोगों की वजह से लाखों लोग परेशान होते हैं, ऐसा काम नहीं चाहिए। ऐसा ही मालपुरा गेट, जो उनका मूल क्षेत्र है, मालपुरा गेट से लेकर चोरडे पेट्रोलियम तक पूरी सफाई करवा दी, और ये पूरे जयपुर में हुआ है। आप देखिए वैशाली नगर में जितने भी बड़े अतिक्रमण थे वो हटाए गए, और ये किस पर से हटाए गए? बरसाती नालों पर से। जयपुर में ड्रेनेज एक सबसे बड़ी समस्या है, और इसका सबसे बड़ा कारण है जितने भी बरसाती नाले थे उन पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिए थे, उन अतिक्रमणों को हटाया गया है। और आगे आप देखिए कि बजट में भी प्रावधान लाया गया है, सिकर रोड पर जो नालों की स्थिति है उसको, ड्रेनेज को सुधारने के लिए माननीय दिया कुमारी जी ने अलग से बजट दिया इसके लिए, और जयपुर नगर निगम को स्वच्छ बनाने के लिए, यहाँ के लोगों को राहत देने के लिए, जो सफाई का जिस प्रोजेक्ट को लेकर आए माननीय वसुंधरा जी, आप देखिए जो द्रव्यवती नदी बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी, और उसका जो जिस तरह से डिजाइन तैयार किया गया था, लेकिन पूरे पिछले 5 साल में उसको रोक दिया गया, वो जो करोड़ों अरबों रुपए लगे थे वो पूरे पानी में चले गए, उस पर एक बार भी मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया, और जिस टाटा कंपनी को प्रोजेक्ट मिला हुआ था उस पर इन्होंने बैन कर दिया। इस वजह से जो राजस्थान जयपुर की जो स्थिति बन रही है वो सिर्फ कांग्रेस के गलत फैसलों की वजह से बन रही है। इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जब बारिश आती थी जब जागते थे, लेकिन जब भजन लाल जी की सरकार आई, बरसाती नालों को साफ करवाया गया, और ग्रेटर की आप स्थिति देख लीजिए, मैं खुद वहां निवास करता हूँ, एक भी जगह इस बार जल भराव की स्थिति नहीं आई, और जहां एक दो जगह सीवरेज में कनेक्टेड थे बरसाती नाले उनको वापस से अलग करवाया गया। आप जो सिप्रापत रोड है वहां पर हर वर्ष पिछले 5 वर्ष से देखा जा रहा था, जगह जगह से रोड टूट जाती थी, बरसाती नाले फट जाते थे क्योंकि वो सीवरेज से मिले हुए थे, सीवरेज में जाकर मिलते थे, लेकिन उन सबको अलग करवा दिया गया, और सब मिलकर जयपुर का विकास करेंगे। और जयपुर में जो आपदाएं आती है
जिस तरह की समस्याएं आती है उन सबसे निपटा जाएगा। चलिए राजकुमार जी, क्या कहेंगे आप? आपका क्या कहना है इन चीजों को लेकर जो ये बात नमित जी ने रखी है, और साथ ही साथ अपनी बात फटाफट कम शब्दों में करिएगा क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, उसके बाद क्लोजिंग नोट लेंगे। पहले तो मैं नमित जी को बोलना चाहूंगा कि आप एक आंख से नहीं दोनों आंखों से देखिए, एक एक पक्ष का बखान करके दूसरों करने, क्योंकि समस्याएं पूरी लेकिन हमने देखी राजकुमार थी जी, क्या एक जयपुर सवाल या जिले मेरा भी है, देखिए आपसे, कि कांग्रेस सरकार में भी ये जो हालात हैं, ये उस समय भी बने हुए थे। हाँ हाँ बने हुए थे ना, जो धीरे धीरे चीजें सुधरती है, ऐसा तो नहीं ना कि एक ही दिन में कोई जादू की छड़ी घुमा दी। लेकिन मैं जी इनसे यही बोल रहा हूँ कि आप एक आंख से नहीं दोनों से देखिए, समस्याएं सब जगह है, एक जगह नहीं है। दूसरे में आपको बता देता हूँ कि इन्होंने बोला कि कोटा जोधपुर जयपुर का बंटवारा किया। आज एक बात बताइए, हिंदुस्तान की पहली सिग्नल फ्री सिटी बनी है कोटा। जी जयपुर में जितने अंडर पार जितने विकास हुए कांग्रेस ने करवाए, मुझे एक बीजेपी का गिनवा दो। जोधपुर में देख लो, तो विकास भी तो देखिए आप, कांग्रेस ने कितना करवाया। अगर ये फैसले गलत होते, लोग परेशान होते, तो इतना हो सका? आज कोटा के अंदर आप देख ली, कोटा में घुसो निकल जाओ, एक सिग्नल नहीं मिलता। तो आप विकास की बात ना करके सिर्फ यहाँ पे, तो अच्छा हुआ इन्होंने ये नहीं बोला कि कचरा गाड़ी वाले ड्राइवर कांग्रेस सरकार की भर्ती के थे जो रोकते नहीं है। मुझे तो अपेक्षा थी कि ये बोल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, बंटवारा अगर होता है तो सुविधाओं के लिए होता है। ऐसा अभी 2026 में परिसीमन होने वाला है, तो फिर ये जी किस हिसाब से करेंगे? आप भी मत करो परिसीमन, उसको भी रोक दो, क्या मतलब आया? आप 200 से 240 45 विधानसभा सीटें जाने वाले क्यों कर रहे हो भाई परिसीमन? चलिए जी क्या आवश्यकता राजकुमार पड़ेगी जी, उसकी? जी क्लोजिंग नोट पहले नमित जी से लेते हैं। नमित जी, क्लोजिंग नोट एक बार जल्दी से 30 सेकंड के अंदर, समय का थोड़ा अभाव है। जी मैं जी बिल्कुल कोटा के विकास की बात कर रहे थे। वहां की जो उखड़ती टाइलें हैं, जिस दिन मुख्यमंत्री जी जाने वाले थे वहां उद्घाटन, लेकिन इनके अंतर्द्वंद की वजह से, आपसी मनमुटाव की वजह से नहीं जा पाए थे। उसी दिन जिस दिन उद्घाटन होना था, उसी दिन 3 पिलर भरभराकर गिर पड़े थे और चोटिल भी हो गए थे कुछ लोग। वो स्थिति हमने देखी है। वो स्थिति नहीं होनी चाहिए कि आनन फानन में हमने किस तरह से पैसा बनाने के लिए, वहां के लोगों को परेशान करने के लिए, जिस तरह से हमने वहां, आप देखिए कि जो वन्य जीव संस्था है उनका भी वहां पे स्टे आ गया था, उन्होंने मना कर दिया था, फिर भी उन्होंने बनाया। और जो जयपुर की स्थिति थी, किस तरह से जयपुर जाम में रेंगता रहा पूरे 5 साल, उन स्थिति से हम निकाल कर रहेंगे। और नया जयपुर, जिसकी हम कल्पना करते हैं कि बढ़ती आबादी के बीच किस तरह से जयपुर को पहले के जैसा बनाए रखे, हेरिटेज यहाँ की जो है, हेरिटेज बनी रहे, यहाँ की जो लोग, जो बाहर के जो पर्यटक आते हैं वो जी, लगातार आते रहे और सुंदरता बनी रहे, इस पर हम कार्य करेंगे और उसको लेकर आने वाले प्रयासरत समय में रहेंगे। जी अच्छा जयपुर चलिए बनाएंगे। चलिए राजकुमार जी, सर क्लोजिंग नोट, नगर निगम एक होने से क्या फायदा क्या नुकसान? देखो, नगर निगम एक होने से नुकसान यही है कि कार्यभार बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ने से काम लोगों के हो नहीं पाएंगे। जो जी डिवाइडेशन अच्छा है, इसकी जनसंख्या भी बढ़ रही है, क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है, तो हमें अपना राजनीतिक फायदा ना देख के लोगों का फायदा देखना चाहिए, मेरा तो कहना यही है। और साथ ही मैं आपके जो नमन ओझा जी का जो आपका इंटरव्यू था, मैंने सुना है, काफी अच्छा था, और वो काफी लोगों के लिए मतलब एक मोटिवेशन है। तो अगर जो भी हमें लाइव देख रहे, तो मैं यूथ को बोलना चाहूंगा स्पेशल, उसको जरूर सुनिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने देखा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि आगामी समय में नगर निगम एक होता है या नहीं, क्या उसके फायदे हैं क्या नुकसान, यह आने वाले समय में पता ही चल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। हम तीनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।